नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी ही दुखद खबर आ रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, इनका आखिर क्या होगा, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया। जी, सागर के पुलिस आरक्षक की टीकमगढ़ में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने कुचल दिया है पार्थिव शरीर। पैतृक गांव किशनपुरा पहुंचा, सलामी देकर आरक्षक को विदाई दी गई है। बहुत ही गमगीन कर देने वाला माहौल बन गया जिया। दरअसल टीकमगढ़ में पदस्थ सागर जिले के ग्राम किशनपुरा निवासी पुलिस आरक्षक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही किशनपुरा में मातम पसर गया है। परिवार के लोग तत्काल टीकमगढ़ पहुंचे। मंगलवार को पुलिस आरक्षक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव किशनपुर लाया गया, जहां सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उन्हें सलामी देकर विदाई दी गई। वहीं टीकमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक को टक्कर मारने वाले डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच में लिया गया। और ये विजुअल्स भी देखिए, किस तरीके से सड़क हादसा हुआ है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डंपर रॉन्ग साइड जा रहा था। दरअसल सागर के ग्राम किशनपुरा निवासी आरक्षक यशवंत यादव और अज्जू यादव टीकमगढ़ में कोतवाली थाने में पदस्थ थे और वे सोमवार रात मर्ग के मामले में हॉस्पिटल गए थे, जिसके बाद वह ATM से रुपए निकाल ले गए और लौटकर हॉस्पिटल की ओर जाते समय चौराहे पर रॉन्ग साइड से जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने रात करीब 1 बजे आरक्षक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही आरक्षक यशवंत की मौत हो गई। देर रात घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरक्षक यशवंत को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है, जिसके परिवार वाले मृत आरक्षक यशवंत का शव लेकर सागर पहुँच गए थे, जहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। लेकिन हम आपको बता दें, बहुत ही गमगीन कर देने वाला माहौल पैदा हो गया है। इस दौरान सागर थाना पुलिस SDOP शिखा सोनी, पुलिस प्रभारी अर्चना से सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।